ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से जिला हमीरपुर रोजगार कार्यालय में समय समय पर साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। इसी के तहत परमाणु स्थित माइक्रोटेक में ट्रेनी ऑपरेटर्स के पदों के लिए साक्षात्कार लिए। साक्षात्कार में लगभग 40 से 50 उम्मीदवारों ने भाग लिए, जिनमें से 30 उम्मीदवारों का चयन किया गया। प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से हमीरपुर जिला रोजगार कार्यालय में समय समय पर साक्षात्कार आयोजित कर रहा है। इसी के तहत परमाणु स्थित माइक्रोटेक ने ट्रेनी ऑपरेटर्स के पदों के लिए साक्षात्कार लिए और उम्मीदवारों का चयन उनके 8वीं दशमी जमा 2 व ITI के अंकों व पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया। साक्षात्कार में लगभग 40 से 50 उम्मीदवारों ने भाग लिए, जिनमें से 30 उम्मीदवारों का चयन किया गया। कंपनी की तरफ से आए हुए प्रतिनिधि सुंदरभान सिंह ठाकर ने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को 8,200 रुपए व ITI पास चयनित आवेदकों को 8,400 मासिक वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को कंपनी अन्य सुविधाएं जैसे ESI, EPF आदि सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी और उन्हें पहले दिन से ही कंपनी पेरोल में रखा जाएगा। आपको बता दें कि जिला रोजगार कार्यालय ने रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर साक्षात्कार की सूचना भेज दी है। हम माइक्रोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं परमाणु से, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम आए हैं। तो हम यहाँ पे ITI 10th 10th कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू के लिए आए हैं उनको हम सिलेक्ट करने के लिए आए हैं, ताकि उनको एक बढ़िया रोजगार मिले और साथ ही साथ हम उनको उनके बेनिफिट्स बता रहे हैं, जैसे कि ESI, PF वगैरह जो भी उनका कटेगा, और जो भी हम उनको जॉब में रखते हैं कैंडिडेट्स को पूरे कंपनी रोल पर रखते हैं फ्रॉम फर्स्ट डे, और सारे बेनिफिट्स जो भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे वो कंपनी की तरफ से फुली उनको दिए जाएंगे। ये हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा आने का पक्ष। करीबन 20 से 25 कैंडिडेट आया है और उसमें से हमने 19 कैंडिडेट्स को हमने कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट किया और हम यहाँ पे आज 40 से 50 लड़कों को लेकर जाएंगे, ये हम अपने स्टेट लेके जाएंगे। तो जब हमने पहले भी यहाँ पे रोजगार मेले लाए हैं तो हमें काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स यहाँ से मिले हैं, जो कि काफ़ी मेहनती हैं और अभी भी हमारी कंपनी में वो कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। इसीलिए हम दोबारा यहाँ पे आए हैं, आगे भी अगर हमें मौका मिलेगा तो हम दोबारा यहाँ पे रोजगार के लिए आए हैं। कोई इशू नहीं है, हमारी कंपनी में जब कैंडिडेट आ गया तो हम ऐसे किसी भी कैंडिडेट को नहीं निकालते, हमारा पूरा कंपनी के अंदर रहता है, पूरा पक्का एम्प्लॉय रहता है।